सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में मैं ला रहा हूं हमारे किस्से इंजीनियरिंग के YouTube वीडियो सीरीज में एक नया वीडियो, प्लेसमेंट्स वर्सेस अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स मेरे कमेंट सेक्शन में आते हैं, पूछते हैं कि भैया अगर कोई कॉलेज प्लेसमेंट दे दे रहा है तो और क्या अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम डीप डाइव कर रहे होंगे कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अपार्ट फ्रॉम प्लेसमेंट और क्या चीजें हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप ग्रैब कर सकते हो। तो देखिए, अगर आप कॉलेज में आए हो, इंजीनियरिंग कॉलेज मोस्ट स्पेसिफिकली, अगर आप कॉलेज में सिर्फ इस पर्पज से आए हो कि मुझे तो सिर्फ प्लेसमेंट लेना है, पैसा चाहिए, रोकड़ा चाहिए, उसके बाद निकल जाना है कॉलेज से, तब तो आपके लिए कॉलेज लाइफ सिर्फ एक प्लेसमेंट जितना ही गेम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन एक रियल फैक्टर में बात करें, एक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज आपको और क्या क्या चीजें देता है। और अगेन, यहां हम इंजीनियरिंग कॉलेज मतलब सिर्फ 90% कॉलेजेस को ले रहे हैं, उन 10% कॉलेजेस को हटा रहे हैं जो कि बस नाम के लिए बीटेक कॉलेजेस हैं। ना तो वहां स्टूडेंट्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है, ना प्रोफेसर्स पढ़ाने में, ना एडमिनिस्ट्रेशन काम करने में इंटरेस्टेड है, ना टैप टीम प्लेसमेंट्स देने में। बस बच्चे आते हैं 4 साल के लिए, बीटेक डिग्री लेकर निकल जाते हैं। तो इस वीडियो में मोस्टली हम बात कर रहे होंगे IITs, NITs, IIITs, GFTI, टॉप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में कि उसमें प्लेसमेंट्स के अलावे और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये जो सारे टॉप कॉलेजेस हैं, इसमें ऑल ओवर द इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं, अलग अलग कल्चर लेकर आए हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस लेकर आए हैं, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड है। कोई बिजनेस बैकग्राउंड से आया होगा, कोई पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से, तो कोई IAS, IPS बैकग्राउंड से, तो अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए हैं। आपको इंडिया के अलग अलग रीजन्स के बारे में जानने को मिलता है। आपको अगर आपको UPSC की प्रिपरेशन करनी है, वैसा वाला कोई बंदा मिल गया तो आपको उस फील्ड में एक्सपोजर मिल रहा होगा। आपको मतलब समझिए कि इतना वैरायटी मिल जाता है। अब आप अपने स्कूल में जा रहे थे, वहां पे एक छोटे से हिस्से से, गांव कस्बे शहर से लोग आ रहे थे, उतने ही थे, जो है सो वही है। लेकिन अब यहां ऑल ओवर द इंडिया से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सबको एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। अब जब आप 4 साल के बाद जाओगे कॉलेज के बाहर, तो आप एक बंदे खुद का एक्सपीरियंस लेकर नहीं जा रहे हो, उस कॉलेज में आपने जिसके जिसके साथ इंटरेक्शन की है, सबका एक्सपीरियंस आप लेकर जा रहे हो। आप आए तो थे सिर्फ 4 साल की बीटेक डिग्री इंजीनियरिंग का नॉलेज लेने, लेकिन इतने के बजाय अब आपको इतना नॉलेज मिलकर जा रहा है। आपने पॉडकास्ट देखे यूट्यूब पे, जैसे रणवीर अलाहाबादिया, ये सारे लोग पॉडकास्ट क्यों करते हैं? हमें आपको लगता है कि व्यूज के लिए, पैसे कमाने के लिए, लेकिन उससे बड़ा फैक्टर है कि समझिएगा कि वो हर 1 से 2 घंटे का जो इंटरव्यू ले रहे हैं लोगों का, अलग अलग डोमेन्स के लोग आते हैं, 1 से 2 घंटे में किसी का पूरा लाइफ समझ जा रहे हैं कि इसने क्या कर रखा है, अच्छा ऐसे भी होता है, अच्छा ये चीजें भी वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो आपको नहीं पता कि आपके कॉलेज में इतने सारे वैरायटी वैरायटी के लोग आए हैं, आपकी करियर कौन कब कहां बना दे। दूसरा बात कर लेते हैं, कॉलेज आपको और किस तरीके से एक्सपोजर देता है। तो आपके कॉलेजेस में बहुत सारे क्लब्स होंगे, कुछ टेक्निकल टीम्स होंगे, कुछ फेस्ट होते होंगे समय समय पे। तो ये सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? स्टूडेंट्स, आप और हमारे जैसे लोग करवा रहे होते हैं। तो इसमें आपको मैनेजमेंट का, लीडरशिप स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, कन्विंसिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स डेवलप होते हैं। जैसे एक टेक्निकल टीम ही ले लेते हैं, कॉलेज में बहुत से टेक्निकल टीम होते हैं, तो मान लेते हैं आप किसी टेक्निकल टीम में हो, अब वो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, कुछ कार, एरोप्लेन मॉडल कुछ बन रहा है, तो एक तो टेक्निकल नॉलेज तो अलग हो गई, लेकिन उसे बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं पैसे, यानी स्पॉन्सर्स। तो आप जाओगे स्पॉन्सर्स के पास, अब वो पैसे जल्दी देना नहीं चाहेंगे, लेकिन आपको पैसे चाहिए, तो आप उनके साथ नेगोशिएट करोगे, उन्हें कन्विंस करोगे, उनके साथ ढंग के कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। तो पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ एक टेक्निकल टीम में सिर्फ स्पॉन्सरशिप करते हुए आपको ये 2-3 सॉफ्ट स्किल्स आ जाते हैं। जब आप सीनियर बनोगे तो आप अपने जूनियर को गाइड करोगे, लीडरशिप स्किल आएगा। आप एग्जाम्स के दौरान भी कुछ हद तक काम कर रहे होते हो, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आएगा। एक साथ 3-4 क्लब्स में भी काम कर रहे होते हो, अगेन यहां टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आएगा। और जब आप स्पॉन्सरशिप के लिए जा रहे थे, मान लेते आपके कॉलेजेस में कुछ फेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो इस समय आपको हाई प्रोफाइल लोगों के साथ बातें करनी होती हैं
इस समय आपका नेटवर्क बनता है। तो आपको पता चल रहा होगा इस समय कि अभी तो मैं अपने जैसे लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ उठ बैठ रहा था, बट हाई प्रोफाइल लोगों के साथ बातें कैसे करनी है, उनका वर्क लाइफ कैसे होता है, नेटवर्क कैसे बनाते हैं बड़े बड़े लोगों से, ये सारी चीजें, ये एक्सपोजर मिल रहा होता है आपको। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ कॉम्पिटिशन हो ही रहा होता है। अगेन सिर्फ टेक्निकल टीम की ही बात कर लें अगर, तो आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने जाओगे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, डिपेंडिंग ऑन आपका टीम कितना बड़ा है, आपका कॉलेज कितना बड़ा है। बट नेशनल लेवल पे तो ऑफ कोर्स जा रहे होंगे, बट कुछ टीम्स इंटरनेशनल लेवल पर भी जाती हैं। तो जब रिप्रेजेंट करने जाओगे तो एक अलग एक्सपोजर मिला, आप नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट कॉम्पिटिशन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ये एक अलग एक्सपोजर हुआ। आपके कॉलेज में एक स्टार्टअप कल्चर होगा, और बता दीजिए बीटेक के अलावा जहां इससे ज्यादा स्टार्टअप कल्चर आपको देखने को मिलता हो। अमूमन आपने सुना होगा स्टार्टअप्स अगर किसी कॉलेज से निकल रहे तो इंजीनियरिंग कॉलेज ही मोस्टली होते हैं, तो स्टार्टअप वाला भी आपको एक्सपोजर मिल रहा है। तो यानी कि देखिए, बहुत बार होता है ना कि मतलब आते हैं स्टूडेंट्स सिर्फ सोचकर मुझे प्लेसमेंट लेना है, सबसे पहले जेई मेंस, जेई एडवांस, कॉमेट के, WBJEE, KCET, MST, CET जैसे कुछ एग्जाम्स क्रैक करते हैं, उसके बाद देखें कि किस कॉलेज के प्लेसमेंट ज्यादा बढ़िया, तो मोस्टली प्लेसमेंट देखकर स्टूडेंट आते हैं। लेकिन जब आप कॉलेज के अंदर आ जाते हो, जो चार साल के अंदर आपको कॉलेज प्रोवाइड कर देता है, टेक्निकल टीम तो अलग चीज है, कल्चरल क्लब्स भी मिलेंगे आपको, जैसे डांस, सिंगिंग, आर्ट्स, पेंटिंग, फिर स्पोर्ट्स के बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आपको। बहुत लोगों ने तो स्पोर्ट्स के बारे में उन्हें पता भी नहीं था कि अच्छा मैं इस स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर सकता हूं, कॉलेज में आए, स्पोर्ट्स देखा कि अच्छा ये स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी है हमारे कॉलेज में, एक बार इस स्पोर्ट्स को ट्राई करके देखूं क्या, उन्हें पता चला मैं तो ये स्पोर्ट्स खेल सकता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो नेशनल लेवल तक कॉलेज की वजह से रिप्रेजेंट करके आए हैं, आए तो थे इंजीनियरिंग की डिग्री लेने, स्पोर्ट्स में करियर बनाकर चले गए। आपने बहुत सारे स्टैंडअप कॉमेडियंस के बारे में सुना होगा कि आए तो थे इंजीनियरिंग की डिग्री लेने, बट एक नए हुनर के बारे में पता चला और स्टैंडअप कॉमेडियन बनकर निकल गए। आए तो थे प्लेसमेंट लेने, आए तो थे इंजीनियरिंग बीटेक की डिग्री लेने, लेकिन बन गए म्यूजिशियन, डांस कोरियोग्राफर। तो लोग हैं जो बाहर से हमें लगता है इंजीनियरिंग कॉलेज है, पैकेजेस 4 करोड़ 2 करोड़, ऐसे पैकेजेस लग रहे, एवरेज पैकेज 10 लाख 15-20 लाख है, ये बाहर से लगता है जब तक आप एडमिशन ना लो कि जो कॉलेज में है प्लेसमेंट है। जब आप अंदर आओगे ना और आप रियल वर्ल्ड में, रियल सेंस में अगर कॉलेज को एक्सप्लोर करोगे तो प्लेसमेंट इतना छोटा दिखेगा, और अगर आपको अपना पैशन दिख गया कॉलेज में फिर तो शायद प्लेसमेंट के ऊपर ध्यान भी नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, थोड़ा बहुत एफर्ट मारिएगा, प्लेसमेंट मिल ही जाएगा। आप अपने पैशन के ऊपर काम करते रहिए, अगर ढंग से थोड़ा बहुत भी मेहनत करते हो तो प्लेसमेंट तो मिल ही जाएगा, लेकिन क्या पता पैशन में एक अलग करियर बन जाए, तब नाम भी होगा, पैसा भी होगा, दौलत शौहरत सब होगा। अब मैं यहां किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा कि प्लेसमेंट के ऊपर हमें सोचना ही नहीं है। पता चला कुछ प्लेसमेंट पे ध्यान ही नहीं दिया, ना CGPA बढ़िया आया, ना मार्क्स, ना ग्रेड, कुछ नहीं, और उसके बाद 4 साल के बाद रो रहे प्लेसमेंट तो लगा ही नहीं, पैशन के ऊपर भी कुछ काम नहीं हुआ, प्रभात भैया ने तो मुझे मोटिवेट कर दिया था। तो ऐसा भी नहीं है, मैं कह रहा हूं प्लेसमेंट के ऊपर भी थोड़ा बहुत मेहनत करते रहिए, ग्रेड्स के ऊपर थोड़ा बहुत मेहनत करते रहिए, लेकिन कॉलेज में आपको इनफ टाइम अगर निकालोगे तो इनफ टाइम मिल जाता है कि आप अपने पैशन के ऊपर भी काम कर सको। इसके बाद आपको एल्यूमिनाई नेटवर्क भी अलग से मिलेगा। अब एल्यूमिनाई नेटवर्क का इंपॉर्टेंस इस वीडियो में नहीं बता रहा क्योंकि इनका अपना अलग इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर एक अलग फुल सेपरेट वीडियो में बात कर रहे होंगे। प्लान तो है कि जस्ट इस वीडियो के बाद इस सीरीज में आपका एल्यूमिनाई का ही वीडियो आएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या बात कर लिया, सबसे पहले बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, तो आप अलग अलग तरीके के लोगों से मिल रहे होंगे, क्या पता आपका इंटरेस्ट कुछ था अभी तक लेकिन आपने एक नए इंटरेस्ट को खोज लिया क्योंकि आप अलग अलग तरीके के लोगों से मिले। फिर हो सकता है कि आप नेशनल इंटरनेशनल किसी प्रोग्राम कॉन्टेस्ट कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहे थे, वहां पर किसी अलग अलग तरीके के लोगों से मिलना हो गया, आपके पास रेज्यूमे पे लिखने के लिए हो गया, CV पे लिखने के लिए कि मैं इस चीज में भी पार्टिसिपेट करके आया हूं, अपने कॉलेज को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करके आया हूं, वो एक अलग चीज हाईलाइट हो जाती है CV पर। और उसके बाद तो एक अलग ही एक्सपोजर आपको अलग मिल रहा है जब आप इतने सारे, जब नेशनल लेवल पर जा रहे हो तो इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस के टॉप नॉच आपके जैसे बच्चे आ रहे हैं, उनके साथ आप कंपीट कर रहे हो,
इंटरनेशनल लेवल पर गए तो पूरे ग्लोब से बच्चे आ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड से बच्चे आ रहे हैं। फिर उसके बाद आपका स्पोर्ट्स फैसिलिटी होता है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था मैं स्पोर्ट्स में बढ़िया हूं, और उसके बाद नेशनल लेवल पर कॉलेज को रिप्रेजेंट करके आए हैं। फिर उसके बाद स्टार्टअप कल्चर है, आप किसी टीम, क्लब या फेस्ट के थ्रू हाई प्रोफाइल लोगों के साथ नेटवर्क बनाते हो, बहुत सारी सॉफ्ट स्किल सीखते हो जैसे कि नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन, कन्विंसिंग, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, बहुत कुछ करते हो। और ये टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, ये सारी चीजें हैं जिसके वजह से थोड़ा बहुत आप IIM मैनेजमेंट डिग्रीज की तरफ भी, MBA डिग्री की तरफ भी थोड़ा बहुत ओरिएंट हो जाते हो। तो एक अलग चीज आपको पता चल गया। और अगेन यहां पर आपको बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स के बारे में भी और पता चलता है। आपने सुना है ना कि मतलब इंजीनियर्स जो है, बीटेक से जो स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं वो इंजीनियरिंग बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो अलग अलग डोमेन में चल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉलेज आपको एक्सपोजर देता है। बहुत सारे लोग फाइनेंस में, ट्रेडिंग में, और पता नहीं ना जाने कितने कितने अलग अलग फील्ड्स में चले जाते हैं क्योंकि कॉलेज आपको एक्सपोजर देता है। आए तो थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने, डेटा साइंटिस्ट का जॉब लेकर जा रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के करियर ऑप्शंस भी जानने को मिलते हैं। मतलब समझिएगा कि प्लेसमेंट फिर इतना छोटा फैक्टर रह जाता है, और जितना आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है कॉलेज में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट छूट गया था। इतने सारी चीजें आप जब करते हो, इतने सारे लोगों के साथ मिलते हो, आए थे इंट्रोवर्ट दबे दबे से बच्चे, उसके बाद जब आप कॉलेज से बाहर जाओगे एक्सट्रोवर्ट, ना किसी के सामने बोलने में डर, ना किसी के सामने कुछ खड़े होने में डर, 1,000 लोगों के सामने, 10,000 लोगों के सामने स्टेज पर अब खड़े होकर बोल सकता हूं। पहले लोगों के साथ आंख में आंखें नहीं मिला सकता था, अब मैं सबके सामने खड़ा होकर जो चाहिए बोल सकता हूं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट अलग लेवल की देती है, लेकिन इसके लिए जरूरत है कि जो कॉलेजेस आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसे ग्रैब करिए। जितने भी आपके इवेंट्स हो रहे हैं, जितने भी आपके फेस्ट हो रहे हैं, जितने भी आपके क्लब्स हैं, टेक्निकल टीम्स हैं, कम से कम उनमें इंटरव्यू के लिए तो बैठिए, सिलेक्शन होना बाद की बात है। जितना भी आपको कॉलेज अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जिस चीज के बारे में भी सुनने में आए, बस उसमें एक बार आप हाथ तो रखिए कि देखू तो मेरे इंटरेस्ट से अलाइन हो रहा है या नहीं, या फिर इसमें कहीं इंटरेस्ट ना जाग जाए। पहले अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करिए, वरना आप प्लेसमेंट के लिए आए थे और प्लेसमेंट ही लेकर निकल जाओगे। सभी के पास कॉलेज लाइफ में सुनाने के लिए किस्से होंगे, सब आपसे कहीं ऊपर की चीजें उखाड़ रहे होंगे, आप प्लेसमेंट लेके निकल रहे हो। क्योंकि जो 2-4 करोड़ के पैकेजेस सुनकर आते हैं, ये सिर्फ आपके टॉप के IITs में लग रहे होते हैं, वो भी लिमिटेड 2-4 स्टूडेंट्स को। तो प्लेसमेंट्स अच्छी बात है, उसके लिए फोकस करना है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज को भी ग्रैब करना है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आप बताइए, और आपको इंजीनियरिंग के अंदर की बातें और क्या जाननी है कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज हमें और क्या क्या प्रोवाइड करता है, और क्या क्या चीजें हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर हो रही हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय फॉर नाउ, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।